गाइस ये है एक्टिवा 3G और इसमें हम ऐड करने वाले हैं काफ़ी यूनिक सी मॉडिफिकेशन। ये काफ़ी पुराना मॉडल है, आप देख सकते हो। बट और इसमें इंजन लाइट भी जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका कवर जी, ये देखो, ये सारी एक्सेसरीज आज इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो, और ये मेटल में इसमें काफ़ी सारे डिजाइन है। ये MT15 ये वाला आता है, एक ये वाला डिज़ाइन है, एक ये वाला डिज़ाइन है, एक ये डबल साइड है। ये एक्टिवा 3G 2014 का मॉडल और इसको फुल मॉडिफाइड कर दिया है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे LED मिरर डबल साइड, यहाँ आपको देखने को मिलेगा वाइजर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा फॉग, फ्लैट इंडिकेटर, वाटर येलो और वाइट, ऑल ओवर ग्राफिक्स वर्क, स्पाइडरमैन कॉन्सेप्ट, लीवर गार्ड DRL येलो और वाइट, आइस रैप डुअल साइड विद माउथ स्टाइल, हैजार्ड सिस्टम 38 पैटर्न के साथ, रेड हैंड ग्रिप्स विद लेस, ऑल ओवर मॉडिफिकेशन फुल्ली नोटिसेबल एक्टिवा 3G 2014 मॉडल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल SK D बाइक वर्ल्ड। गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं एक्टिवा 3G जो बिल्कुल ओल्ड कंडीशन की है, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो चुकी थी, तो उसको एक तरीके से हमने रीस्टोर किया है और उस पर हमने किया कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एक्सेसरीज़ और कुछ ग्राफिक्स के काम किए जिससे एक नया लुक दिया है। और उसकी बहुत ज़बरदस्त वीडियो एक आपके सामने हमने पेश किया बना के, जो कि थोड़े सिनेमैटिक आप देख चुके हो, थोड़े सिनेमैटिक आप वीडियो के लास्ट में देख लोगे। तो गाइस कुछ सिनेमैटिक आप एंजॉय कर चुके होंगे स्टार्टिंग में और बाकी जो मॉडिफिकेशन की वीडियो है वो फुल मैं कंप्लीट करता हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और गाइस इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं स्कूटीज़ पर, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, खास करके NTorq और एक्टिवा और जो है आपकी वर्कमैन। तो एक बार चैनल पर जाके जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी देख सकते हो इंटरसेप्टर 650, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे चैनल पर सिर्फ स्कूटीज़ की वीडियो मिलेगी, आपको सारी बाइक्स की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और इसके जितने भी मोड्स मैंने इसमें कर रखे हैं, इसकी 90% वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट वीडियो इसकी एग्जॉस्ट की है, जो कि आजकल गुरु सेवक के एग्जॉस्ट चल रहा है, जो कि 20,000 के आते हैं, बट ये आपके 10,000 से नीचे के अंदर आ जाते हैं। और गाइस साउंड जो है इसका बहुत ज़्यादा बेसी है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो इस पर हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। जैसे कि इसका आप दोस्तों फैट टायर लगे हुए हैं, कस्टम कलर है, कस्टम सीट है, हार्ले डेविडसन का वाइजर है। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और चैनल को कर लो चेकआउट, क्योंकि ऑलरेडी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस ये है एक्टिवा 3G और इसमें हम ऐड करने वाले हैं काफ़ी यूनिक सी मॉडिफिकेशन। जिस तरीके से आपने हमारी वर्कमैन और NTorq पर और जुपिटर पे देखी होगी, तो सेम एक्सेसरीज पर ऐड करेंगे। काफ़ी पुराना मॉडल है, ये 2014 का मॉडल है। उसकी कंडीशन जो थी कुछ इस तरीके से थी, आप देख सकते हो। बट इसमें जो है ग्राफिक्स से काम कर दिए गए ब्लू और वाइट के साथ। ये आप देख सकते हो, इसका पैनल सारा खुल चुका है साइड का, आप देख सकते हो पूरा। और इसमें इंजन लाइट भी जो है इंस्टॉल करने वाले हैं, इसका कवर बाहर निकाल लिया गया है। और काफ़ी सारी एक्सेसरीज में और भी ऐड करी जाएंगी, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा अदरवाइज़। और गाइस इसका फ्रंट पैनल ये आप देख सकते हो, इस पर स्पाइडी लगा हुआ है, जो कि बहुत एक कॉम्बिनेशन के साथ यूनिक सा लुक दे रहा है। और आज जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। और अभी तक शायद इतने इस मॉडल पर अभी तक बहुत कम लोगों ने इस तरीके के ग्राफिक और इस तरीके की मॉडिफिकेशन की होगी। तो चलते शुरू करते हैं वीडियो को। और गैस इंस्टॉलेशन हो चुकी है शुरू और जिसकी इंजन लाइट थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। और अब मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या एक्सेसरीज और ऐड करने वाले हैं फाइनल। तो जी ये देखो, ये सारी एक्सेसरीज आज इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो बहुत सारी है, ये आप देख सकते हो। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाइजर भी इंस्टॉल होगा और ये सारे वाइजर मैंने इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि जो रख के देखेंगे, जो इसमें से शूट करेगा वो इंस्टॉल करेंगे। ये प्लास्टिक में है और ये मेटल में, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है। ये MT15 पर आप लगे हुए देखे होंगे, बट हम करेंगे इस पर एक्टिवा पे। एक डिज़ाइन इसमें ये वाला आता है, एक ये वाला डिज़ाइन है, एक ये वाला डिज़ाइन है, एक ये डुअल साइड है और ये मेटल के हैं। अदरवाइज़ ये वाला भी और ये वाला भी है, बट इसको देखेंगे रख के कौन सा शूट करता है, जो परफेक्ट लगेगा उसी को करेंगे इंस्टॉल। सेकंड है गाइस हैंड ग्रिप्स, और हैंड ग्रिप्स के काफ़ी सारे कलर आते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, बट ये रेड कलर का इंस्टॉल करेंगे इसमें। और गाइस ये डुअल साइड इंडिकेटर, ये भी इंस्टॉल करने वाले। इसमें इस तरफ से इंडिकेटर है और इस तरफ से भी इंडिकेटर इसमें जलता है गाइस। तो ये दो हो गए। एक ये R9 जो है इसकी हेडलाइट के अंदर बल्ब इंस्टॉल किया गया, जिस तरीके से नाइट आई का आता है, तो उस तरीके से ये वाला इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, तो इसको भी इंस्टॉल करने वाले हैं। सिमटेक का हजार सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जिसमें कि 38 पैटर्न आपको मिल जाते हैं और 1 साल की गारंटी भी आपको मिल जाती है। यह है फ्लैट इंडिकेटर, ये बॉडी इंडिकेटर कह सकते हो। ये येलो और वाइट है जो कि फ्रंट पे लगेंगे। और गाइस सिमटेक के हजार के साथ इसमें सिमटेक के LED बल्ब भी इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इन कम्पेयर टू स्टॉक। और गाइस ये वाले फॉग लैम्प्स हैं, ये इंस्टॉल किए जाएंगे फ्रंट की साइड में। और ये है हैंडल DRL जो बार एंड्स में लगते हैं, ये 3-in-1 है। इसको मैं चला के एक बार दिखाता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ। और अभी तक आपने वर्कमैन में या फिर आपने NTorq में देखे होंगे, वर्कमैन में एंटॉर्क में आपने जरूर देखे होंगे, बट इसको करेंगे एक्टिवा में इंस्टॉल। एक बार मैं दिखाता हूँ इसकी लाइट कैसी है और कैसा वर्क करता है। तो शुरू करते हैं गाइस, आप इसको अगर इसको आप चाहो तो इग्निशन पे वाइड कर सकते हो, तो आप अगर इग्निशन पे चाहो तो वाइड कर सकते हो। और ये है वाइट, और कलर दिखाओ इसमें राजू भाई। और गाइस ये येलो, और ये येलो जो है ये हार्ले स्टाइल में, यानी कि जलना बुझना नहीं है, ये स्टाइल में देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से ये मूव कर रहा है। और कोई कलर भी है इसमें अपने पास? ऐसे बता दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मिल जाएगा ठीक है। येलो रेड मिल जाएगा ठीक है। और आप देख रहे हैं येलो वाइट तो ऑलरेडी है ये, ठीक है। अच्छा इसमें एक थोड़ी सी लेजर लाइट और दिखा दो। लेजर लाइट मुझे देखिए मैंने यहाँ पर गाइस, कलर में काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें रेड मिल जाएंगे आपको, और जो पर्पल कलर का भी मैंने शायद देखा है। तो ये आप इसको लेज़र है, और ये ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर येलो और वाइट दोनों। और ये फ्रंट पे लगेगी, जब आपकी स्कूटी पे फिट हो जाएगी ना तो ये सामने तरफ में आएगी। आधा इसका जो डिज़ाइन स्कूटी पे आता है और आधा डिज़ाइन आता है रोड पर। तो कर लेते हैं सारी आइटम इंस्टॉल और फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। फाइनली गाइस आपके कमेंट पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद मैंने एक तैयार करा दिया एक्टिवा 3G। ये आप देख सकते हो प्रॉपर स्पाइडरमैन एडिशन कह सकते हो इसको। और इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गई है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टार्टिंग से, इसमें पूरा जो बॉडी है ना उसको पूरा रैप कर दिया गया है, आप देख सकते हो। इसमें व्हाइट और ब्लू का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये आप देख सकते हो। और इसमें जो भी मॉडिफिकेशन है गाइस, ये एक अपना एग्जांपल समझो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही मॉडिफाइड कराना है। इसमें से आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो, लाइक इसके फ्लैट इंडिकेटर या एलईडी बल्ब या एलईडी या HHG के फॉग लाइट्स, वाइजर, ग्राफिक्स या मिरर विद इंडिकेटर। और जिसमें रैपिंग का काम किया गया गाइस वो है वाटरप्रूफ रैपिंग, और ये फुल बॉडी की गई है, आप देख सकते हो। वाइट का मैंने आपको दिखाया, ब्लू का आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस। और यहाँ पर जो ग्राफिक्स किए गए हैं ना, तो उसके जो इंडिकेटर्स में कटिंग कर दी गई कुछ आइस के स्टाइल में, ये आप देख सकते हो। इसका मैं इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वो तो हो गए मॉडिफिकेशन, ग्राफिक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में इंस्टॉल की गई हैं। फ्रेंड्स मैं आपको देखने को मिलेगा वाइजर मेटल का, जो कि आपने एंटॉर्क पर हमारा देखा था, हमने इंस्टॉल किया था। और वहीं थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ग्राफिक्स के काम देखने को मिलेंगे। इसमें हेडलाइट का जो है मुंह बना दिया है, और इसके साथ में आंखें बना दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर लुक देता है। और इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो पहले आप देख लो क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे हाईलाइट के साथ हैं, ये वाइट और येलो दोनों जलते हैं। और थोड़ा सा मैं नीचे और आता हूँ तो आपको देखने को मिलेंगे फ्लैट इंडिकेटर, जो कि फुल्ली वाटरप्रूफ होते हैं, इससे पानी वगैरह का कुछ असर नहीं होता। ये येलो और वाइट के साथ जलते हैं, चाहे आप ब्रेक पर लगा लो या इंडिकेटर पर आप इसको सेट कर सकते हो। ये डबल सेट है, ये आप देख सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेंगे हैंड ग्रिप्स। और गाइस ये रेड कलर के हैंड ग्रिप्स हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, बट सबसे ज़्यादा यही लोग इंस्टॉल कराते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये आप देख सकते हो। और गाइस ये है लीवर गार्ड DRL, ये आप देख सकते हो। ये भी बहुत यूनिक से लुक देते हैं, आपने एंटॉर्क में बहुत ज़्यादा देखा होगा, बट हमने इंस्टॉल किए हैं एक्टिवा 3G में। और गाइस ये जो तैयार की गई है एक्टिवा, ये है 2014 का मॉडल है। आपके पास नया हो या पुराना हो, कहीं शोरूम से लाए हो, किसी पे भी आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो इस तरीके की। तो ये सिर्फ आपकी डिमांड के लिए ही मैंने तैयार कराई है। हाँ, मिरर इंस्टॉल किए गए। और मिरर की एक खासियत बता दूँ आपको कि जितने भी लोग इसमें एक्टिवा में ये वाले, यानी ये LED इंडिकेटर वाले मिरर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी फिटिंग जो है प्रॉपर कंपनी वाली फिटिंग नहीं बना पाते हैं। तो ये फिटिंग जो है ये प्रॉपर फिटिंग के साथ करेगी, इसमें पत्ती वगैरह नहीं की, कोई जुगाड़बाजी नहीं करेगी, ये जस्ट प्लग एंड प्ले आप देख सकते हो। और ये इंडिकेटर दोनों तरफ से देते हैं, इस तरफ से भी लाइट जलती है और उस तरफ से भी लाइट जलती है। तो अब हम करते हैं इसका इग्निशन ऑन और दिखाते हैं कि इसमें लाइटिंग का क्या काम किया गया और कैसा लगता है। मेरे प्यारे भाइयों, फाइनली अब वो वक्त आ गया है जो मैं इसकी लाइटें ऑन करूँगा और आप अपने कमेंट की राय देंगे। कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कर दीजिए, कोई बोलेगा बहुत अच्छी लग रही है। बट हम आपको बता दें, ये डिस्प्ले है, इसमें से जो पार्ट चाहो वो आप अपनी एक्टिवा में, एंटॉर्क में, वर्कमैन में, एक्सेस में या किसी भी बाइक, किसी भी स्कूटी में लगा सकते हो। ये हमने स्पेशली आपकी डिमांड के लिए तैयार कराई है। अब हमारे राजू भाई करेंगे इसको स्टार्ट और आपको दिखाएँगे जलवा। हैप्पी दिवाली। ये लो जी। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो, सारी लाइटें ऑन कर दो इसकी। तो गाइस रात के समय में बहुत ज़्यादा किलर लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। ये एक मुंह की शेप में बन गया है और ये इसकी आइज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा किलर लुक देती हैं। अगर हम हेडलाइट बंद करेंगे ना तो कुछ मैं दिखाता हूँ कैसा लुक आएगा। अगर बंद करना राजू भाई हेडलाइट, ये देखो। अब इसमें सिमटेक का हज़ार है, इसमें 38 पैटर्न आपको मिल जाते हैं, जो कि पैटर्न बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग तरीके चलेंगे, तो और कुछ अलग तरीके का इसमें क्रिएटिविटी होगी, आप देख सकते हो। ये देखो भाई, रात के समय में ना कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि ये क्या चीज़ जा रही है, ये आप देख सकते हो। और जो इंडिकेटर के अंदर, जो मिरर के अंदर इंडिकेटर है, ये भी आप देख सकते हो। ये डुअल साइड मैंने बताया था आपको शुरू में, ये देख सकते हो, जो कि आम हो चुका है हर स्कूटी में और हर बाइक में हम लगा देते हैं इसको, क्योंकि इसका लुक इतना ज़बरदस्त है ना। इससे पीछे वाले राइडर और आगे वाले राइडर दोनों को पता चलता है कि बंदे ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है, और काफ़ी यूनिक सी भी चीज़ हो जाती है गाइज़। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बताया था। और गाइज़ मैंने बताया था लीवर गार्ड DRL, ये इसको आप ब्रेक पे चाहो या इग्निशन पे चाहो, जैसे कनेक्शन चाहो वैसे कर सकते हो। इसमें कलर आपको मिल जाएंगे येलो, रेड एंड ब्लू, ये आप देख सकते हो। और गाइस इसमें एक लेज़र भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जी ये देखो लेज़र, और इस लेज़र का इफेक्ट जो है वो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक सा है और रात के समय में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है गाइस। तो ये तो हो गई लीवर गार्ड DRL की बात, इसमें बार एंड्स का भी ये काम करता है, याद रख सकते हो। और कलर मैं आपको बता चुका हूँ। स्विच इसका ये है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये इसके स्विच है, ये 2-in-1 स्विच है फॉग लैम्प्स के, और ये स्विच है सारी लाइटों का। इसको ऑन करते ही आपकी सारी लाइटें हो जाती है। अदरवाइज जिस तरीके से चाहो उस तरीके से फिटिंग करा सकते हो। ये आपकी डिमांड के लिए स्पेशली हमने एक्टिवा तैयार कराई थी और आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। इसमें ग्राफिक का भी काम किया गया था। और ये स्पाइडरमैन का लोगो ये पहले से ही हमारे पे इंस्टॉल था, तो हमने इसको हटाया नहीं है, बल्कि इसी के कॉन्सेप्ट पे हल्का सा एक टच दिया है। और जो एनटॉर्क का नया वाला मॉडल आया है, वो आपने देखा होगा स्पाइडरमैन वाला, तो उससे पहले हमारा एक मॉडल तैयार हो चुका है। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब हम आपको दिखाते हैं नीचे फॉग लैम्प्स ड्यूअल कलर जलते हैं जो कि व्हाइट और येलो है। एक बार आ जाओ, इसको भी जलाओ। और गाइस ये बड़ी बड़ी आँखों वाले आप देख सकते हो, इसमें फॉग लैम्प्स लगे हुए हैं। ये है तो ड्यूअल कलर में, जलाओ इसको। ये देखो, अभी ये वाइट है, येलो भी दिखा दो। ये येलो। अब हम इसका फोकस दिखाते हैं आपको सामने कैसा है। आपको ये येलो का फोकस है गाइस, और ये है वाइट का। येलो वाइट, येलो वाइट। अब इससे आगे बढ़ना है। और ये है अपने मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव चीज़, ये है गाइस फ्लैट इंडिकेटर जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में। तो जलने के बाद कुछ इस तरीके का इसमें लुक आता है। और ये वाटरप्रूफ होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें पानी वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। और ये जस्ट प्लग एंड प्ले वाली बात है। इसमें टेप दे रखी हो 3M की, कहीं भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये आप देखो, इसको इंडिकेटर पर सेट कर लो तो और ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज ब्रेक पे भी आप ऐड कर सकते हो। दूर से दिखाता हूँ मैं कैसा लुक लगता है। ये देखो, और दूर जाता हूँ मैं और दिखाता हूँ। एक बार येलो जलाना फॉग लैम्प्स, और हेडलाइट भी जला दो। ये लो जी, ओए होए। अच्छा, बैटरी थोड़ी लो हो रही है इसकी, इसकी वजह से इसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं आ रही। ये देखो, आप देखो, आप देखो, आप देखो इसकी ब्राइटनेस कितनी है। देखो ऑल ओवर जो इसका लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक आ रहा है। तो गाइस कमेंट करके बताओ ये कैसा लग रहा है आपको। अदरवाइज़ अगर आप ये काम कराना चाहते हो तो दिल्ली के करोल बाग नई वाला मार्केट में आप आ सकते हो, बालाजी मॉडिफिकेशन एंड एक्सेसरीज़ पर। बाकी पूरा एड्रेस और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, कि जो पीछे हल्के से ग्राफिक किए गए हैं इंडिकेटर पर, तो उनका कैसा लुक आता है। ये लो जी, पीछे भी एकदम क्लियर लुक है। ये आप देख सकते हो, जो इंडिकेटर का जो आइस वाला स्टाइल है, वो पीछे से भी एक कॉन्सेप्ट लिया गया। ये आप देख सकते हो। तो ये थे इंडिकेटर्स। तो ये थी मॉडिफिकेशन एक्टिवा 3G की, जो कि 2014 का मॉडल है। आपके पास नया हो, पुराना हो, कैसा भी हो, कोई भी स्कूटी हो, किसी भी कंपनी की हो, कोई बाइक हो, 2 व्हीलर्स कोई भी हो, आप ला सकते हो, मॉडिफिकेशन करा सकते हो, किसी भी तरीके की, किसी भी लेवल की। मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज लाइटिंग का सारा वर्क आपने देख लिया। अब आप देख लो मेन चीज़। तो अब मैं दिखाता हूँ इसका हार्ट, जिसे हम कहते हैं लावा लाइट, जो कि आपने एनटॉर्क में, वर्कमैन में, सब में देखी होगी। बट अब हमने इंस्टॉल कर दी है अपनी एक्टिवा 3G में। अभी आप इससे तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह यहाँ जल रही है, लेकिन इसका जो लुक आ रहा है ना, वो अलग ही लेवल का आ रहा है। बिल्कुल अंधेरे में आप जब जाके देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ये। और एक्टिवा में बहुत कम लोगों ने लगाई है गाइज़ ये अब तक। तो ऑल ओवर इसका लुक आ रहा है, आप देख सकते हो गाइज़। तो ये थी लावा लाइट। तो एक्टिवा 3G मॉडल था, ये था 2014 का मॉडल। और आपके पास चाहे नया हो या पुराना हो या किसी भी कंडीशन में हो, आप शॉप पर आ सकते हो। शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा, आप चेकआउट कर लेना गाइज़। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।